राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिए। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। डिजिटल विकास में उल्लेखनीय पहल और व्यवहार के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकार के सुपर पावर बनने के विजन का हिस्सा है। इस साल आधुनिक तकनीक के कारण काफी मदद मिली है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामले देखते हुए 7 जनवरी 2021 तक ब्रिटेन के सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद सख्ती से विनियमित बहाली होगी, जिसके लिए विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें दोहराकर उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हर बैंक खाते में 15 लाख और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, हम कोरोना के खिलाफ 21 दिनों में युद्ध जीतेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि न तो हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ की है और न ही कोई पद संभाला है। किसानों को मोदी के असत्याग्रह के लंबे इतिहास के कारण उन पर भरोसा नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना और एनसीपी की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को अनदेखा किया जा रहा है और सरकार सिर्फ शिवसेना और एनसीपी की चला रही है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन ने हाल ही में फाइजर की वैक्सीन को भी मंजूरी दी थी। इमरजेंसी सप्लाई के लिए ये मंजूरी दी गई है। अगले हफ्ते से इस वैक्सीन के भारत सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होने की संभावना है। राजस्थान में बजट पर होने वाली रिव्यू बैठक स्थगित हो गई है। सीएस निरंजन आर्य के दिल्ली जाने के कारण बैठक को स्थगित किया गया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 जनवरी को बैठक लेंगे। जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर कलेक्टर अंतर सिंह मेहरा ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने चाइनीज मांझे के खरीद बेचान पर रोक लगाई है। वहीं जयपुर में सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। जयपुर में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन के सफल क्रियान्वयन एवं जागरूकता पर आमुखी कार्यशाला हुई। स्वास्थ्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कार्यशाला में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर कई अहम सुझाव दिए गए। राजधानी जयपुर में झालाना क्षेत्र से भटक कर एक पैंथर जगतपुरा इलाके में आ गया था। हालांकि वन विभाग की टीम ने समय पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया। पैंथर के आने से वहां के लोगों में दहशत हो गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश में अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू करने और परमाणु ऊर्जा विकसित करने की दिशा में उनके अपार योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है।